सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये चोसा एंड सीसैप के ऊपर, ठीक है। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है बिल्कुल एंड तक, कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, चाहे वो NITs हो, IIITs हो या JFTIs हो, तो क्या कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है पर्टिकुलर हर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया के लिए, कहाँ पे आपको क्या चॉइसेस मिल जाएंगे उसके ऊपर। तो जो एवरेज स्कोरर है उनको NITs, IIITs एंड JFTIs में क्या मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस हमने इसी के ऊपर किया है, कुछ मैं आपको शो करना चाहूंगा। ये NIT, IIIT एंड JFTI लास्ट रैंक की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि कितना एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो कि NIT रांची का अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेटलर्जी के लिए अगर हम देखें तो ऑल इंडिया रैंक पे 86,000 के आसपास चला जाता है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी जनरल की बात हो रही है ऑल इंडिया कोटे में अलॉटमेंट पे, ठीक है। AWS की बात करें तो 1,54,000 तक, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ है मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। और OBC के केस में, OBC NCL के केस में 1,31,000 गया है, SC के केस में 2,92,000 गया है एंड ST के केस में 3,00,000 तक भी गया है, ठीक है। यहाँ पे जो बात हुई थी ये NITs की बात की थी हमने, तो यहाँ पे IIITs का ये डाटा है, ये IIITs का डाटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और भी काफी डीप में आपको एनालिसिस करके मैं बताऊंगा, उससे और अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम सीसैप की बात कर लेते हैं कि सीसैप में आपका लास्ट रैंक कितना रहना चाहिए। तो सीसैप CSE के लिए अगर हम देख लें, अगर आपको कोई CSE ब्रांच चाहिए सीसैप के अंदर, काउंसलिंग के अंदर, तो क्या एनालिसिस रहता है, क्या कट ऑफ रहेगा लास्ट तक, आपको कहाँ कहाँ चांसेस हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीसैप के अंदर जो GFTIs हैं, तो उसमें आप देखोगे कि मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, उसमें देखो आप 91,000 पे इनका क्लोजिंग रैंक जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी का जो अपना है हरिद्वार वाला, वहाँ पे देखो 98,000 पे आपको आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जा रहा है 1,00,000 के अंदर। तो जो CSE वाले बच्चे जिनको CSE ही चाहिए और हाई रैंक पे भी उनको CSE मिल जाए, यहाँ पे ये देखिए SC के केस में आपको यहाँ पे, ठीक है ना, SC के केस में 2,50,000 पे मिल जा रहा है, ST के केस में 3,09,000 आप देखोगे 91,000 पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि CSE का ये कट ऑफ रहता है। जनरल केस में बहुत से बहुत ऑल इंडिया रैंक पे कोटे पे 91,000 पे CSE बंद हो गई है CSAP के अंदर, ये हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर IT की बात करें CSAP के अंदर, ठीक है, तो IT में भी आप देखो कि मिजोरम की IT जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो कैंपसेस हैं वहाँ पे देखो 98,000 पे गया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे EWS वालों के लिए 1,07,000 तक गया हुआ है, OBC के लिए बात करें तो 1,25,000 पे गया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कट ऑफ है। अभी मैं एक ऐसा कट ऑफ दिखाऊंगा इससे आप बहुत क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो अब ईसी की बात कर लें तो ईसी पे आप देख सकते हो कि वहीं पे 1,33,000 पे आपको जनरल वाले बच्चों को ऑल इंडिया रैंक पे GFTI आराम से ईसी अलॉट हो जा रही है। तो ये आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हो। IIIE के लिए बात कर लें तो यार आप देखो कि माता वैष्णो देवी का इलेक्ट्रिकल 1,64,000 तक ओपन वाले बच्चों के लिए चला जाता है, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ है। गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है, AWS के लिए 1,64,000 तक जाता है। तो OBC NCL के लिए 1,82,000 तक। तो ये तो हमने GFTIs वगैरह के ऊपर कंप्लीट चांस के लिए। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो देखो अब जनरल वाले बच्चों को 1,78,000 तक, 1,79,000 तक के अंदर भी उनको मैकेनिकल मिल जा रहा है। अगर वो EWS कोटे में लाई करता है तो 2,16,000 तक भी उसको मैकेनिकल मिल जा रहा है। OBC वाले को 2,00,000 तक आराम से मिल जा रहा है। SC वाला बच्चा है तो 3,00,000 तक चली जा रही है बात, है ना। अगर ST है तो 4,16,000 तक उसको अलॉटमेंट हो जा रहा है मैकेनिकल में। तो ये यहाँ पे आप देख लो कि कहाँ कहाँ अलॉटमेंट आपको पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, हमने NITs की बात कर ली, ठीक है। अब यूपी के अंदर, अगर हम यूपी के अंदर सीसैप के लास्ट एनालिसिस की बात करें, अगर हम पर्टिकुलर यूपी स्टेट के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यूपी के अंदर आ जाते हैं तो देखो MNIT की इलेक्ट्रिकल आप देख सकते हो 9,550 पे, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 से पहले बंद हो जा रही है, ठीक है। तो अभी इसी के हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पे एनालिसिस काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है यहाँ पे MNITs का, ठीक है ना। तो आप देखो कि MNIT का जो हाईएस्ट गया है वो आप देख सकते हो कि ST वाले बच्चे को 1,95,000 तक यहाँ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है। अगर हम EWS के लिए बात करें तो 41,000 पे इसका बंद हो जाता है एंड ओपन के लिए बात कर लें तो
38,000, मतलब 40,000 के अंदर अंदर इसकी बायोटेक वगैरह भी बंद हो जाती है। तो काफी तगड़ा कॉलेज है MNIT। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में आपको प्रेफरेंसेस किस हिसाब से दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ये पूरा पूरा कट ऑफ है जो कि मैं एनालिसिस आपको दिखा पा रहा हूँ। अब JK की बात कर लें जो कि यूपी का एक CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, काफी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 56,000 तक बच्चा उसको ईजिली ले लेगा, है ना। और हम अदर ब्रांचेस की बात कर लें यहाँ पे, तो लास्ट जो कट ऑफ जाएगा ST के लिए वो आप देख लो कि अगर 4 लाख के आसपास उसकी रैंक भी बनती है ST है तो उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। JK में 2-3 ब्रांचेस हैं, ज्यादा ब्रांचेस है ही नहीं। यहाँ पे CSE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। अगर हम उसके बाद बात करें JK के अंदर एक नॉर्मल बच्चे को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कितने मिला, तो आप देख लो कि ज्यादा कुछ बहुत वेरिएशन नहीं जा रहा है, 69,000 पे मिल रहा है, ठीक है ना। अगर ऑल इंडिया रैंक पे देखो आप ओबीसी एनसीएल वाले को 74,000 पे मिल रहा है। तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये कट ऑफ थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा, अभी देखो जो मैं बताऊंगा उससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये जो आपको डाटा देखने को मिल रहा है उसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और कुछ एनालिसिस भी मैं आपको बता दूंगा जिससे और अच्छा आप आइडिया लगा सकते हो। देखो अगर आपको NITs चाहिए, ठीक है, अगर आपको NITs चाहिए तो आपकी रैंक मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अगर आप जनरल से हो तो 86-87,000 बस, इतनी रैंक तक ही आपको NIT पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप EWS हैं तो 1,54,000 तक आपको पॉसिबल है कि NIT मिल जाए, है ना, ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अगर आप OBC से हैं तो आप देखोगे कि 1,31,000 तक मिल जाएगा। अगर आप ST से हैं तो 2,92,000 तक मिल जाएगा। अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे देख लो कि 3,68,000 तक मिल जाएगा। तो ये बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट्स हैं जो हमने आपको बताया, और ये तभी मिलेगा जब आपकी चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन करोगे, तब ये कट ऑफ आपका जाने वाला है, ठीक है ना। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन योर चॉइस फिलिंग। IIITs की बात कर लें तो ओपन से 74,000 तक मिल जाता है। अगर आपकी रैंक 74,000-75,000 तक है, आप जनरल हो तो आप IIITs ले सकते हो। EWS वाला बच्चा 77,000 तक जाएगा, OBC वाला बच्चा 80,000 तक आप इसको ले सकते हो। अगर आप OBC से हो 80,000 आपकी CRL रैंक है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा, CRL रैंक की बात हो रही है। SC वाला बच्चा अगर 2,30,000 तक अगर CRL रैंक रखता है, ST का 3,80,000 तक रखता है, तब वो IIITs को ले सकता है। अगर हम GFTIs की बात कर लें यहाँ पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ओपन के लिए 2,20,000, ठीक है ना। यहाँ पे EWS वाले बच्चे के लिए 2,40,000 एंड OBC के लिए 2,41,000, तो काफी ज्यादा टक्कर रहता है OBC एंड EWS के अंदर। SC वाला बच्चा 3 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकता है, 3,08,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकता है, 3,10,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको मिल जाएगा। ST का बच्चा 4,37,38,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकता है उसको मिल जाएगा। तो ये बच्चे बिल्कुल JOSA एंड CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके चांसेस बहुत हद तक 98% चांसेस हैं इन बच्चों का अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसकी पूरी सियोरिटी है। उसी हिसाब से हमने इस कट ऑफ को डिजाइन किया है, अपने पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस को यूज किया है, तो सारी चीजों को हमने इसके ऊपर ही रखा है, ठीक है। 23 अब यहां पे एक चीज और है, GFTIs में अलग से कुछ GFTIs नए ऐड हुए हैं, तो आप मान के चलो कि इसमें आप मान के चलो कि 5,000 प्लस कर दो इस कट ऑफ के ऊपर। तो अगर आपकी रैंक 2,25,000 तक भी है तो यू आर रेडी टू गो, आप जनरल हो तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाएगा, है ना, JOSA NCSAB की काउंसलिंग के अंदर। अगर हम बात करें कि JOSA की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले 23 IITs, 31 NITs, 26 IIITs एंड 31 GFTIs जो कि थोड़े बड़े हैं, 400 प्लस चॉइसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर को सही में अरेंज करना है एक इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं, है ना, ये आसान है भी नहीं, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अभी डिफिकल्ट प्रोसेस कैसे है, आप मान के चलो कि एक होम स्टेट का बच्चा, ठीक है, मान के चलो वो यूपी का होम स्टेट है, तो उसके लिए MNIT उसको होम स्टेट कोटे में मिल रही है, लेकिन उसका कट ऑफ इतना हाई जाता है कि उसको ले ही नहीं पाएगा, तो उसको फिर ऑल इंडिया रैंक पे अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि उसके रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ मिल रही है। वहीं पे आप देखोगे कि अगर आप एक नॉर्थ का कैंपस है जैसे मिजोरम वगैरह, वहां पे अगर कैंपस वहां की अगर नॉर्थ के NITs की बात करें तो वहां पे उनके जो होम स्टेट के बच्चे होते हैं हाईएस्ट प्रेफरेंस उनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी यूपी में ऐसा भी होता है कि होम स्टेट से ज्यादा AI का रैंक चला जाता है, तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा पॉसिबल है,
ठीक है ना, एनआईटीज के अंदर खास करके मेजर कंफ्यूजन उसी के अंदर रहता है। तो सबके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आप होम स्टेट, अदर स्टेट, ऑल इंडिया, इसको रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग को करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। हाँ, सी सैम में ठीक है, सी सैम और ट्रिपल आईटीज की बात छोड़ दें, लेकिन एनआईटीज के अंदर एक कंप्लीट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके एक बेहतर अलॉटमेंट होगा। तो मैंने बताया कि करियर कनेक्ट सर्विसेज की टीम पिछले 5 साल से आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए पूरा प्लेसमेंट एनालिसिस करके, उन्होंने कंप्लीट रैंकिंग का प्रॉपर एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो तैयार करती है, ठीक है ना। और अब भी अगर आप अपने 2-3 साल मेहनत, बेहतरीन परिणाम, अगर आपने यार जेई वगैरह की कोचिंग करी है एंड 2 साल अपने यूज किए हैं, तो ये फाइनल चांस है, फाइनल कॉल है आपके लिए कि आप काउंसलिंग से एक बेहतर चॉइस फिलिंग करके एक बेहतर अलॉटमेंट को ले सकते हो, एक अच्छे ब्रांच को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग की नीड होती है और हम लोग काफ़ी मिनिमल अमाउंट में चॉइस फिलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग आपको चॉइस फिलिंग में प्रोवाइड करने आ रहे हैं, कंप्लीट काउंसलिंग जोसा प्लस सी साहब। यहाँ पे हम लोग जोसा के लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, वी विल प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस फॉर जोसा इन 0 रुपीज, कोई हम चार्जेस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जोसा एंड सीसैप कोई अलग नहीं है, ठीक है। सीसैप राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, आप जोसा के स्पॉट राउंड को ही सीसैप राउंड कहते हैं, पहले वो स्पॉट राउंड होता था, अब वो सीसैप में होता है, ठीक है ना। तो आप गाइडेंस दोनों का समझो, तो अराउंड कंप्लीट गाइडेंस एंड चॉइस फिलिंग के जो हमारे चार्जेस हैं वो हमने काफ़ी मिनिमल रखा हुआ है, आप इसको अवेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो दोनों का पैकेज कंबाइन ही है, ठीक है ना, जहाँ पे जोसा के लिए 0 है प्लस 3999 सीसैप। तो जोसा प्लस सीसैप की कंप्लीट गाइडेंस टिल फ्रॉम जोसा टू सीसैप लास्ट, तो कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस पैकेज के अंदर, एंड थ्रू आउट द काउंसलिंग बेस्ट अलॉटमेंट बाय आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स। तो ये सारा आपको मिलेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।